आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम में ज्यादा बॉलर्स को टारगेट करते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि एमआई की टीम के पास में अभी जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई गेंदबाज मौजूद नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे पांच बड़े गेंदबाजों के नाम बताऊंगा जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आने वाली है। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन, तुम्हारी इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले गेंदबाज की, जिसे मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आने वाली है। उस खिलाड़ी का नाम है दीपक चहर। दीपक चहर भी रिलीज हो चुके हैं सीएसके की टीम की ओर से, और दीपक चहर भी हमें नीलामी का हिस्सा बनते हुए नजर आने वाले हैं, और इनके पीछे भी हमें मुंबई इंडियंस की टीम इस मेगा ऑक्शन में जाते हुए नजर आने वाली है। और हो सकता है कि मुंबई इंडियंस की टीम दीपक चहर को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए दिखे। दीपक चहर हमें मुंबई इंडियंस की टीम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं आईपीएल 2022 के सीजन में। मुंबई इंडियंस की टीम 8 से 9 करोड़ रुपए में दीपक चहर को इस मेगा ऑक्शन में आसानी से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आ सकती है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे गेंदबाज की, जिसे एमआई की टीम हमें खरीदते हुए नजर आ सकती है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, और इस खिलाड़ी पर हमें मुंबई इंडियंस की टीम करोड़ों रुपए लगाते हुए इस मेगा ऑक्शन में नजर आने वाली है। उस खिलाड़ी का नाम है आवेश खान। आवेश खान भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं आईपीएल में। हमने आईपीएल 2021 के सीजन में भी देखा कि नॉन दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए आवेश खान ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो हमें मुंबई इंडियंस की टीम इनके प्रदर्शन को देखते हुए आवेश खान के अपनी टीम में हमें आवेश खान को इंक्लूड करते हुए नजर आ सकती है। आवेश खान मुंबई इंडियंस की टीम को 4 से 5 करोड़ रुपए में इसलिए इस मेगा ऑक्शन में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट बात कर लेते हैं इस लिस्ट के तीसरे गेंदबाज की, जिसे एमआई की टीम हमें कंफर्म रूप से इस मेगा ऑक्शन में टारगेट करते हुए नजर आने वाली है। उस खिलाड़ी का नाम है कगिजो रबाडा। कगिजो रबाडा को इसलिए टारगेट करेंगे एमआई की टीम क्योंकि इस टीम को एक स्ट्राइकिंग गेंदबाज की नीड है। हालांकि ये टीम जोफ्रा आर्चर को भी इस मेगा ऑक्शन में हमें टारगेट करते हुए नजर आने वाली है, लेकिन अब ज्यादा चांसेस यहाँ पर कगिजो रबाडा के लग रहे हैं। अगर जोफ्रा आर्चर नहीं अवेलेबल रहते आईपीएल 2022 के सीजन में, अब इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर जोफ्रा आर्चर के सवाल उठ रहे हैं, तो हमें कगिजो रबाडा को इसके चलते हुए एमआई की टीम इस मेगा ऑक्शन में टारगेट करते हुए नजर आ सकती है। तो हमें कगिजो रबाडा भी मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर मुंबई इंडियंस की टीम कगिजो रबाडा को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में खरीदती है तो काफी मजबूत हमें एमआई की टीम दिखने वाली है आईपीएल 2022 के सीजन में। तो इसके चलते हुए हमें एमआई की टीम कगिजो रबाडा के पीछे इस मेगा ऑक्शन में जाते हुए नजर आने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इस लिस्ट के चौथे गेंदबाज की, जिसे एमआई की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आ सकती है। उस खिलाड़ी का नाम है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं आईपीएल में, और हमने आईपीएल 2021 के सीजन में देखा कि आरसीबी की टीम के लिए इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, और इन्होंने पर्पल कैप भी जीती थी आरसीबी की टीम की ओर से आईपीएल 2021 के सीजन में खेलते हुए। और ये पर्पल कैप होल्डर है, तो इनके पीछे हमें काफी सारी टीमें जाते हुए इस मेगा ऑक्शन में नजर आने वाली है, और उनमें से एक मुंबई इंडियंस की टीम भी रहेंगी जो हर्षल पटेल को इस मेगा ऑक्शन में टारगेट करेंगी। और हो सकता है कि मुंबई इंडियंस की टीम हर्षल पटेल को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आए। वैसे आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को हर्षल पटेल जैसे गेंदबाज को खरीदना चाहिए या फिर नहीं आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और अगर हर्षल पटेल नहीं मिलते हैं मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, तो टीम हमें टी नटराजन के पीछे भी इस मेगा ऑक्शन में जाते हुए नजर आने वाली है। टी नटराजन भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं आईपीएल में। हालांकि आईपीएल 2021 का आधा सीजन इन्होंने नहीं खेला था, इन्होंने आईपीएल 2021 का सीजन मिस कर दिया था, लेकिन इनके प्रदर्शन को देखते हुए जो इन्होंने प्रदर्शन किया आईपीएल में, इनके डेथ ओवर्स की गेंदबाजी को देखते हुए कई सारी आईपीएल फ्रेंचाइजी टी नटराजन को भी इस मेगा ऑक्शन में टारगेट करेंगी, और उनमें से एक मुंबई इंडियंस की टीम भी रहेंगी जो टी नटराजन को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो हमें मुंबई इंडियंस की टीम टी नटराजन को अपने डेथ ओवर्स की गेंदबाजी मजबूत करने के लिए अपनी टीम में टी नटराजन को मुंबई इंडियंस की टीम शामिल करते हुए नजर आ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में इन पांच गेंदबाजों में से कौन से गेंदबाज को खरीद कर अपनी टीम में शामिल करना चाहिए, तो आप अपने रिकमेंड बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।